कर्नाटक चुनाव होने में अभी कुछ दिन बचे हैं। सभी सियासी दलों के नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस बीच कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान सुरक्षा उल्लंघन के बाद पुलिस ने कहा कि उन्होंने वाहन पर फोन फेंकने वाले व्यक्ति को ढूंढ लिया है और कहा कि इससे पीछे व्यक्ति का कोई बुरा इरादा नहीं था। सुरक्षा में सेंध की घटना में कल मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान फोन को प्रधानमंत्री के वाहन की ओर फेंकते हुए देखा गया। हालांकि प्रधानमंत्री किसी भी दुर्घटना से बाल बाल बचे। इस बीच रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग और भाजपा समर्थक प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए सड़क के दोनों ओर जमा हो गए थे। पीएम मोदी विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर थे और उन्होंने लोगों को हाथ हिलाकर बधाई दी। रास्ते में लोगों ने फूल बरसाए और समर्थन के तौर पर भाजपा के झंडे लहराए। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में भाजपा के लिए प्रचार करने के लिए मैदान में उतरे हैं, जिसमें वो कई चुनावी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 13 मई को होगी।